hello everyone welcome to sunia ias and this is your daily current affairs dose for prelims 2023 and in this video we are going to cover the various news from 22nd october 2022 all right so let's begin uh, the first news was with respect to great indian bustard the first thing which you should know that it is found in two countries that is india as well as pakistan all right then you have to uh, pay very uh, keen attention that in India also it is not only found in the state of Rajasthan but also in Andhra Pradesh, also in Karnataka, that South Indian states as well, right? And few other states. Uh, then you should know that around ninety five percent of its total population lies in the state of Rajasthan, and in Rajasthan also the most densely concentrated population is found in Desert National Park. Okay, know these two facts.

Uh, then, uh, G b is among the four bustard species in India, uh, and the other three being the Macqueen, the Lesser Florican, and the Bengal Florican. And habitat is dry grasslands and uh, scrublands. Uh, then, last year, there was this fact in news if UPSC puts this statement as it is that there are no great Indian bustards in the Kutch bustard century in Gujarat. So, yes, the statement is very true.

थिंग एल्स इज रिक्वायर्ड फायर फ्लाई बर्डर्टर होता क्या हैज अ वेरी हैवी वर्ड इट फेल्स टू मेनूअर बिटवीन दावर लाइन एंड जिसकी वजह सेटिंग क्रैश इन दावर लाइन्स तो उसकी वजह से देर वॉज दिस फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर इंस्टॉल्ड ऑन दावर लाइन्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इसके रिलेटेड ही एक सुप्रीम कोर्ट केस था सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड कीप इट इन माइंड एम के रंजीत सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है तो अगर ये आ जाइए दिस केस इज रिलेटेड टू वॉट सो दिस केस इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू जेबी देन दीज आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट डिजल नेशनल पार्क सो डू रीड दैम इट इज वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल सो मार्केट इम्पोर्टेंट ठीक है तो पढ़ लेना बट उन जैसे क्वेश्चन में भी यूपीएससी ऑलवेज गिवस यू द What we call uh, an elimination point. Like in this question, I mean, there was this elimination point that there is no human habitation inside the desert national park. Okay, so try to understand this from a, a commonsensical point of view that how in a country of India with a population of 130 crores there can be the two districts, right?

तो फार्मर्स स्टबल काटते हैं स्टबल बर्निंग ना हो उसकी वजह से स्टबल से दे आर मेकिंग द पैलेट्स और फार्मर्स को इनकम भी होगी देन इनका यूज क्या होगा इफ दे आर मेकिंग इट सो इनका यूज है बी इन द पावर प्लांट्स एज फ्यूल दैट्स इट देन आ प्रॉपर्टी ऑफ इट दे एमिट मोर हीट ठीक है एंड दे एमिट फ्यूअर पार्टिकुलेट मैटर्स ठीक है ज्यादातर देखा गया जाएगा डू नॉट लिंक इट टू द कॉमन सेंस दैट की स्टबल है तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग मोर पार्टिकुलेट मैटर इट एमिट्स फ्यूअर

वेसल और समथिंग एंड उसको जलाया जाता है एंड वेन इट स्टार्ट बर्निंग दैट वेसल इज क्लोज ठीक है ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है वाई टू मेक इट बर्न इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सच अ थिंग वेन इट टर्न आउट इट बिकम्स अ बायोचार देन इट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइजर एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द लैंड वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी दो चीजें याद रखना मार्केट डबल स्टार दैट देर आर टू काइंड ऑफ बायोमास वन इज ड्राई बायोमासर इज वेट बायोमास ड्राई बायोमास से बायोचार बनाने लिए देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज पायरो बट इफ दायोमास वेट देना हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस होता क्या नॉट एट ऑल नेसेसरी वेट बायोमास हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन विद बी यूज एंड द एंड प्रोडक्ट वुड बी देन अ हाइड्रोचार ऑल राइट देन जो ऊपर हम करके आए दिस एंटायर टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज विद कोल ठीक है इन द पावर प्लांट्स इसको बोलते हैं बायोमास को फायरिंग ठीक है कि बायोमास को फायरिंग करेंगे बायोमास अ फ्यूल इन कोल फायर थर्मल प्लांट्स वेयर 5 फाइव टू टेन परसेंट ऑफ कोल कैन बी रिप्लेस्ड बाय ध्यान रखना 5 टू 10 परसेंट ऑफ द कोल वुड भी रिप्लेस्ड ऐसा नहीं है कि फाइव टू टेन परसेंट ऑफ द कोल वुड बी यूज

Then there is another related op operation called as Operation Carbon. Do not get confused that it is related to something some environmental uh, initiative or something. Okay? It is again carbon operation is related to child sexual abuse material and it is similar to operation make chakra and it was it is again started by this organization called CPI. Then there is cyber tip line. Now you have to remember that it is in this, you have to just remember one point that it is not uh, सम इनिशिएटिव बाय एनी गवर्नमेंट और ऑर्गनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है चाइल्ड सेक्जूज के लिए बट इट इज बाय सम एजीओ ऑफ यूएस ए बस इतना पता होना चाहिए दिस कैन बी इलिमिनेशन पॉइंट इन इफ यू मिन क्वेश्चन कम्स देरल इंटरनेट सॉरी इंटरनेट वॉच फाउंडेशन इट इज अनादर चाइल्ड सेक्शुअल के ऊपर एन इनिशिएटिव बाय द एनजी ओ इन यूके देन द इन होप दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज नॉट सम ऑर्गनाइजेशन और समथिंग Uh, this is a global network of 50 hotlines and the countries are connected within two points you have to remember one it's objective it is uh, it is an IT infrastructure related uh, by this uh, what we call related to child sexual abuse only it is hosted by Interpol the second thing which you have to remember that India is not a member okay Rakhna India is not a member in this then there is a uh, uh, this uh, Aram India, it is another NGO based organization. UPSC is now uh, focusing on this NGO area. In 2021, there was this question on Arbor Tree Foundation. It has asked the question with respect to this manual sequencing. Okay? Manual sequencing ke upar ek, uh, NGO an initiative, tha, so it has asked uh, about it. Uh, then, nothing else is required with respect to this news. Uh, the fourth is with respect to the coffee cultivation. Pehle you should know the stats. Okay? in the previous classes i have told you that focusing on stats in some news is not important but these are the news with respect to what you should remember the stats and market 3 star so state-wise production mein, number one is karnataka then it is kerala and a third it is tamil nadu uh, then comes country wise uh, <clears throat> ranking uh, the first is brazil second is vietnam and remember india is on the seventh rank Okay? then जितना भी इंडिया में कॉफी प्रोड्यूस होता है उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इंडियन कॉफी हुई एक्सपोर्ट इट एंड डू नॉट यूज इट ठीक है देन इंडिया शेयर इन द ग्लोबल कॉफी मार्केट इज जस्ट लेस देन फाइव परसेंट टू रिमेम्बर दीज आर दट वी कॉल फ्यू फैक्चुअल थिंग्स अबाउट कॉफी दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट जो भी इलेमिनेशन होगा इसमें से हो जाएगा ठीक है इफ यू टॉक एट अबाउट द एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव तो जस्ट रीड दिस पॉइंट नथिंग नॉट एट ऑल

एंड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अन बॉडी ठीक है याद रखना यह बात लगेगा कि ये नहीं है बट इट इज अन बॉडी क्लियर देन कम्स द फिफ्थ न्यूज दैट इज प्रसर भारती भारती के बारे में पता होना चाहिए कि इट इज द होल सोल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी और बॉडी इन इंडिया एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देन इट इज अ स्टैचुरी बॉडी ये पता होना चाहिए सेकंड थिंग इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एज वेल अगर स्टैचुटरी है तो act, act is Prasar Bharti, act Then the objectives of the public service broadcasting are achieved via two things in India that is, the All India Radio and Doordarshan. So, these are the mediums through which the public service broadcasting is channelized in India. That's it for this news. Then comes the Agni Prime.

दैन कम्स द आर ट्वेंटी फोरम द आर ट्वेंटी फोरम इतना पता होना चाहिए कि यार इट इज दैट नॉट येट कंसेप्चुलाइज्ड ठीक है एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ आर ट्वेंटी सॉरी द जी ट्वेंटी फोरम एंड द टू इंपॉर्टेंट मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन फ्रॉम एशिया वॉन्ट टू टेक द लीड इन दिसर्ट uh basically you should know that it is be, uh, somewhat related to this uh, this religious organization or something and it is not yet conceptualized and a concept as g g20 agenda or summit sideline. but that's it then the ninth is Sampurna Nand telescope यू शुड नो दैट की बना कब था इट वॉज फोर्म्ड बैक इन दर नाइनटीन सेवनटी टू कुछ नया नहीं है एंडी टू उत्तराखंड एंड यूपी वर नॉट सेटेड सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोलते थे यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी बट नाउ आफ्टर द उत्तराखंड हैज बीन सेपरेटेड इट इज इट्स लोकेशन इज इन एरिज दैट इज आर्या भट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज मनोरा पी के नैनीताल उत्तराखंड बस ये पता होना चाहिए इस न्यूज के बारे में इसने करा क्या है डू हैव अ ग्लैंस डॉट नो नो नीड टू रिमेंबर और क्रैम दीज थिंग एज सच

प्री इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो इट वॉज इन दिस वॉज इन एंड दिस वॉज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा दैट इज मिनिस्ट्री की बात करें तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर हैं ठीक है एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस फोकस इज ऑन प्लांट्स दिस फोकस इज ऑन एनिमल्स एंड दिस फोकस इज ऑन फॉरेस्ट ठीक है जी एंड अगर की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस द मेन सेंटर वॉज कोलकाता

Uh, then this Lokayukta, Solicitor General, Rozgar Mela, National Commission for STs, and National Cybercrime Crime Reporting Portal. These are covered in our monthly magazine. So if you want to cover, uh, do read them. Do read these news from there. Do subscribe to those uh, notes, and you can read those these news uh, from from a monthly magazine. All right. Uh, then uh, again a good news for you all uh, we have uh, brought up prelims 2023 crash course this has been already uh, started in the online format and now from 19th of December we are also bringing them in the offline format right in our Bangalore, Pune, and Delhi centers. All right, and in this course, you can complete the entire syllabus for the prelims in just 200 hours. Whatever is necessary will be covered for prelims in just 200 hours. And since the seats are limited, one kind notice to all that no request whatsoever will be tendered once the seats are fulfilled. Okay, no request would be entertained. Now, it's a very kind request. You also do register yourself on prior basis, and the classes will be starting from 19th of December. Uh, so this was for this uh, this class. See you in the next video. Thank you so much.